न्यूज़ लाइव 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस खास खबर से। पूर्व भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड के ऐसे अकेले कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के तीनों टूर्नामेंट T20, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। वे अपने शांत स्वभाव के साथ बेहतरीन रणनीति के लिए भी जाने जाते हैं। खेल जगत के कई दिग्गज भी उनकी इसी स्वभाव की भी जमकर तारीफ करते दिखते हैं। इसी कड़ी में भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने धोनी की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। रवि शास्त्री ने कहा कि मैंने धोनी के चेहरे पर कभी भी गुस्सा नहीं देखा है। इस मामले में सचिन तेंदुलकर भी उनके आगे फेल हैं क्योंकि वे भी कई बार गुस्सा हो जाते थे। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के YouTube चैनल पर रवि शास्त्री ने धोनी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी वास्तविकता से परे थे, मैंने उनके जैसा व्यक्ति अब तक नहीं देखा। 0 रन बनाओ, 100 रन बनाओ, वर्ल्ड कप उठाओ या सीरीज हारो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गज प्लेयर्स को देखा लेकिन मैंने इसमें कोई भी धोनी जैसा नहीं पाया। सचिन का टेम्परमेंट बेहतरीन था लेकिन वे भी कभी कभी गुस्सा हो जाया करते थे, वहीं धोनी गुस्सा करना जानते ही नहीं थे। धोनी ने 15 अगस्त 2020 की शाम को अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया था। उन्होंने 39 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कहा था। हालांकि आईपीएल में वे अभी भी खेल रहे हैं। धोनी ने अपनी ही कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK को 2020 सीजन में चौथी बार चैंपियनशिप बनाया था। अगले सीजन के लिए भी चेन्नई टीम ने धोनी को रिटेन किया है, यानी वे अगले सीजन में भी टीम की कप्तानी करते दिखाई दे सकते हैं। माना जा रहा है कि धोनी का ये आईपीएल में आखिरी सीजन हो सकता है। यूं ही खबर जानने के लिए बने रहिए Alive24 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर को फॉलो करें। धन्यवाद।